नमस्कार प्रणाम, मैं आप सब लोगों का अपना छोटा भाई सिंगर मुकेश तिवारी आरएमआर और आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ टॉप रियल टीम की, जिसका नाम है फरार। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज्यादा, मुझे तो मजा आया और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप लोग प्लीज लाइक भी कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा ले चलता हूँ वीडियो की तरफ आप लोगों को, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और बिना किसी को मालिक ले आया सब। हाँ, चार बोतलें लाया है ना। हाँ हाँ, चार बोतलें और चकना। हाँ हाँ, चकना भी लाया हूँ, चार बोतलें ले गया हूँ। दिमाग बहुत तेज है, सब याद रहता हूँ मालिक। रख दू फ्रिज में, ठीक है। सुन, पैसे भी तो बचे होंगे कुछ, वो तो दे दे, या भूल गया? वो तो सब भूल जाते हैं, पैसे भी बचते हैं वो तो भूल जाते हैं। पैसे का नाम सुनते के साथ ही भागना चाहते हैं। तो ये जो किरदार है इसका नाम है रिंकू। नेक्स्ट किरदार किसका है ये देखते हैं। वही जिसका टॉप रियल टीम में सबसे ज्यादा सबका नाम क्या है तुम्हारा नाम? रब्बू। रब्बू, ये कैसा नाम है? अच्छा ना लग रहा तो अब्बू कह लो। रब्बू अच्छा नहीं लग रहा, रहने ये बता पिंचर कितने देर में जुड़ जाएगा? जोड़ ही रही हूँ पिंचर, ज्यादा जल्दी हो रही है क्यों? बहुत जल्दी है, मुझे किसी की इमरजेंसी काम से जाना है। किसी की इमरजेंसी काम से जाना? कौन है वो आती का बोफड़ा जिनने तुझे से चूतिया को काम दे दिया? अबे तू जाहिल है क्या, तुझे ग्राहक की इज्जत करनी नहीं आती? बे 10 रुपए का तो पिंचर जुड़वा रही, इसमें तेरी इज्जत भी करे? तू टलवा ले नहीं, 140 रुपए की है, नाश्ता कराऊंगा। ना ना, इतना हिसाब ना है हमारा, इसे ही फिट कर दो, साइकिल में हवा डाल दे, बस निकल गया तू। तमीज से हवा डालिए, कहीं ज्यादा ना हो जाए। पता कितनी डालनी है? हाँ पता भी होना जरूरी है, तमीज से हवा डाल। ज्यादा ना बोल लिया तू, बैठे ही रहे कर तो रही हूँ। ज्यादा कुछ छोड़, बस इस बात का ध्यान रखते हो मेरे टायर में दिक्कत ना है। बे बहन के लोड़े तू बावला आ गया, बिल्कुल ही मत कटा, बोले चले जा रही। अबे मिस्त्री मैं हूँ, तू है मिस्त्री, तुझे ज्यादा नॉलेज है? मुझे ज्यादा नॉलेज है? बे इतना बड़ा पागल तोड़ी हुई तेरी साइकिल का टायर फाड़ दूंगा मैं, बचपन गुजार दिया इस काम में मैंने। सही बात है, चुपचाप बैठा रहे। भाई साहब टॉप रियल टीम की जितनी भी वीडियो आती है, बैठ के 100% आमिर का ही इंतजार करता रहता हूँ, कभी बंदा आए कब वीडियो में इंटरेस्ट आना अपने आप चालू हो जाए। इस किरदार का नाम है रब्बू। नेक्स्ट किरदार अब देखते हैं। भाई दो केचप और दे जा यार। अबे चल बे, दो केचप दिए तो हैं इनसे ही का, और जो बचे उसे रोका कहिए, कहीं अभी और केचप दे दू। भाई नैपकिन ला दो। नैपकिन? सालो घर पे कर रहो पर्दों से हाथ साफ, और रेस्टोरेंट में आती नैपकिन? चल ऐसे कर ले, मूवी साफ कर ले ऐसे। वेटर आइस क्यूब ला दो जरा, वॉकटल पूरा गर्म हो रहा। तुझे पता ना ठंड कितनी हो रही है, नजला जुकाम हो गया तेरा, क्या होगा बैन के रोले, अस्पतालों के चक्कर काटता फिरेगा, फंसेगा कौन? हम? पुलिस केस करेगा हम पे? अरे ये तो गलत बात है तुम्हारी, ये बर्ताव है आपका कस्टमर के साथ? ऐसे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसे तो ये रेस्टोरेंट ठप हो जाएगा। देख बे सुन, कोई इस रेस्टोरेंट में आए या ना आए, चाहे ये रेस्टोरेंट कल को ठप हो जाए मेरे कद्दू से, समझा? मैं हूँ वेटर, मैं यहाँ के अलावा कहीं और नौकरी कर लूंगा, इसमें जो नुकसान होगा वो होगा मेरे बॉस का, वो बर्बाद होगा। अब चुपचाप खा। बॉस? बॉस सुन साले, तू मेरा रेस्टोरेंट ठप कराएगा?
नहीं देख रहे हैं इसकी आंख, सीधा फायरिंग, सीधा फायरिंग। टॉप रियल टीम की दोस्तों वीडियो ना मैं काफी टाइम से बैठ के वेट करता हूँ कि कब इनकी वीडियो आए और कब मैं उसको रिएक्शन दूँ। बहुत बहुत अच्छा इनका क्रिएटिविटी, इनकी डायरेक्शन, इनकी कहानी, इनका एक्शन, इनका सीन, इनकी स्टोरी, इनकी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बहुत ही मतलब जबरदस्त क्वालिटी के होते हैं। एक और वीडियो थी विनाश राव, उसको भी मैंने रिएक्शन दिया है, जाके चैनल पे एक बार विजिट। दुनिया का मजा एक तरफ और चाय का मजा एक तरफ, देखिएगा अलग ही मजा आता है यार चाय पीने में। चाय पीने का तो अलग गांड से फुहार चल रहा हूँ ना इस टाइम, जेब में ना पैसा तो चाय पीने में मजा आ गई तुम्हें। 5 रुपए की है ना, जिस दिन तुम पे भी पैसा आ गया ना तुम भी भगोगे मोकटेल सोकटेल की तरह, बियर की तरह, और घर का होगा जोका पानी पी के आए। रब्बू यार मैंने काम छोड़ दिया। अजी हाँ, अब कमाचुत भागा फिर? अरे कर लेंगे यार कुछ भी। नौकरी तो यार मैंने भी छोड़ दी क्योंकि यार गुस्सा रात बहुत ज्यादा आ गया मुझे। अच्छा। मैंने साली बॉस पे ही गोली चला दी। अच्छा, उल्टा बॉस मरा तो ना, लेकिन वहां से भाग गया। ये दिक्कत लगी रहे यार छोटे मोटे कामों में। कल चेले ने किसी का पिंचर जोड़ा था हमारे। अच्छा। अब टायर फट गया धोखे से, तो यार चेले पे हुआ एंट्री। अब मेरा मूड खराब, मैंने साले में जो 2-3 खेचे धक्का देके भगाया। ये सब लगी रहे, अब मैं सोच रहा हूँ दुकान को बंद ही कर दूं जिंदगी भर के लिए। और देखो ये जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव तो लगे ही रहे, और जो तुम सोचोगे तो वो तो कभी पूरा होगा ना भैया। मेरे साथ भी है। अरे बेटा ये पीरु मदारा का रास्ता किधर को गया है? सीधे जाके दाएं को मुड़ जाइयो। अबे यार रब्बू चाचा को गलत रास्ता क्यों बता रही? चाचा सीधे जाके बाएं को मुड़ जाइयो। बे सालो पागल हो क्या दोनों, गलत रास्ता बता रहे हो? चाचा पीछे को जाओ, किराया पड़ेगा, उल्टे हाथ पे को मुड़ जाइयो। मैं तू गलत रास्ता बता रही है, जो मैंने गया चाचा उधर को जाओ सीधे जाके दाएं। अरे चाचा गलत रास्ता बता रहे हैं दोनों, जो मैं कह रही हूँ उस पे जाओ। अबे चाचा इन्हें कुछ ना पता, पागल बना रहे हैं, तुम पीछे को जाओ और उल्टे हाथ पे घूम जाइयो। साले पीढ़ी देख रही है, गाड़ में घुस दूंगा, जितनी बार पाद मारेगा धुआं धुआं निकलेगा, तुझे ज्यादा पता साले डम्बोले। डम्बोले मैं कह रही हूँ वही सही है चाचा, उधर से जाओ। अरे यार तुम दोनों चाचा को गलत रास्ते पे भेज के ही मानोगे क्या? चाचा जो मैं कह रही हूँ उस पे ही जाओ, वही ठीक रास्ता। पता पता है ना कुछ भी? चाचा तुम पीछे को जाओ। तेरी माँ का भोसड़ा चौधरी तो ऐसा नहीं मानेगा है मुझे। भाई शुरुआत भी खुली करता है अमीर और पिटता भी सबसे ज्यादा अमीर ही है। इस वीडियो में देखते हैं कि अरे अरे बेटे, अरे बेटे लड़ो मत बेटे, मैं रास्ता किसी और से पूछ लूं, तुम लड़ो मत बेटे। अबे साले जलील बुड्ढे, तेरे चक्कर में हम इतने लड़ रहे हैं और तू कह रही है आप किसी और से रास्ता पूछ लेगा, उन्हें लड़वाएगा जाके, पहले इस बुड्ढे को चौदो रख के। मेरे मेरे क्या करा मेरे मेरे अरे हाय 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 हेलो हेलो बेटे, हेलो बेटे कच्चे ढाबे पे आ गए बेटे, 3 लोग मुझे बहुत बुरा मार रहे हैं बेटे, आ जा बेटे बेटे कल आ जा बेटे।
यार ये तो हर कहीं आए जा रहे हैं, कब तक भागेंगे ऐसे हम? अब भागने का वक्त नहीं है, अब है लड़ने का वक्त। अब लड़ेगा ये। तीन चार को तो मैं बता रहा हूँ, दो तीन को मैं पीट लूंगा, जो बचेगा उसे मैं मार लूंगा। सही है, अब कायर नहीं बनेंगे, अब इनसे लड़ेंगे और इन्हें मारेंगे। हिम्मत दिखाएंगे अब हम, हिम्मत। अरे हिम्मत की माँ का भोसड़ा, जान बचाओ और भागो। वैसे ये ढीले ही निकले, मैं तो सोच रहा बहुत मारेंगे, थोड़ा बहुत मार के चलेगा यार। तो फिर जान से मरवा दे, AK-47 से हमारे ऊपर गोलियां चलवा दे। कोक में इतनी भर भर के घुसे मार के गए कुत्ते। अच्छा कोक में घुसे पड़े, आइडिया आ गया। तो तू टेंशन मत ले, तेरा बदला अब रब्बू लेगा, और ऐसी हालत कर दूंगा इन लोगों की, तुझसे रहम की भीख मांगेंगे, लेकिन माफ मत करना इन कुत्तों को। चलो मेरे साथ, अब फिर कुछ ना कुछ ये कांड करवाएगा, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। पुलिस स्टेशन में आएगा FIR दर्ज करवाने। यार इन पुलिस वालों में ऐड कितनी होती है, देखिए एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ लिया। तो बेटा तुम जैसे भाड़ुओं को ऐड दिखा, मैं मुझ जैसे मर्दों को नहीं। ये तो फोन पे बात कर रही है, इसलिए मैंने अब तक कुछ ना कही, अब देख इसे फोन पे भी बात ना करन दूँ। ओ भैया कोतवाल, रिपोर्ट लिख ले हमारी जल्दी से यार। दिखाई नहीं दे रहा तुझे, फोन पे बात कर रहा हूँ, साले ज्यादा जल्दी में है तू, अंदर डाल दूंगा और जमानत भी ना होने दूंगा साले कुत्ते। अच्छा फोन पे बात कर रहे थे क्या सर? सॉरी इसके लिए, मैंने देखा नहीं, देखा नहीं। करो करो आप बात करो, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, आप करो। मर्दानगी तो ऐसे दिखाएगा कि जैसे लगेगा कि हाँ भी। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई अब बता क्या दिक्कत है? रिपोर्ट लिखवानी थी सर। किस चीज की? चोरी की? अबे सालों सकल से तो तुम ही चोर छक्के लग रहे हो। कैसी बातें कर रहा हो सर, इन दोनों को तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। रिपोर्ट तो हम इस चीज की लिखवाना है, 5 लोंडो ने मिलके हमें बहुत ज्यादा मारा, और हमारी कोई गलती भी नहीं थी तब भी हमें मारा, और मारने के साथ साथ मेरी जेब से 7,000 रूपए उन्होंने छीन लिए। 7,000 रूपए कब चुरा लिए भी? अच्छा, और इनके साथ तो ऐसी हरकत करी है मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन पुलिस से कैसे छुपाऊं बतानी तो पड़ेगी।
इन दोनों की तो छाती दबाई है और पीछे हाथ फेरा। अच्छा तो ये मामला है। हाँ मैं चाहता हूँ सर हमें इंसाफ मिले और ऐसे दरिंदों को जेल में डाला जाए। और हाँ ये 1000 रुपए है आपकी मिठाई। मिठाई पहले ही दे दिया कि भैया लो मिठाई खाओ। चल ठीक है लिखता हूँ तेरी रिपोर्ट। मेरे एरिया में इस तरह की हरकतें चल रही हैं। अब देख तू कैसे फंसाऊंगा उसे, सालों को जेल करवाऊंगा। और अगर ये मुझसे फैसला करने कहेंगे तो फैसले में मांगूंगा 5 लाख रुपए। 5 लाख होंगे मेरी जेब में, पैसा कमाऊंगा। पैसे कमाऊंगा 5 लाख वो भी रखेगा तू। एक काम कर 6 लाख रुपए ले, 1 लाख रुपए मुझे भी तो चाहिए। अरे पूरे 7 ही ले लेना, एक मुझे भी दे दिए। तो एक काम करूंगा 8 लाख रुपए मांग लूंगा, एक गरीबों में बांट देंगे। हेलो कोतवाल साहब, आपके थाने में 3 लोग आए के रिपोर्ट लिखवाने। हाँ। अरे उनकी रिपोर्ट वगैरह मत लिखना, एक तो उन्होंने हमें मारा है, ऊपर से हमारे अब्बू को भी मारा है। मैं तुम्हें 30,000 रुपए भेज रहा हूँ, उनकी अच्छी तरह से कुटाई करना और सालों को मार के भगा दो। ठीक है। क्यों बे ज्यादा होशियार बनना हो, उस बुड्ढे को मार के उसी के खिलाफ रिपोर्ट देने आ गए झूठी। सालो इस केस में तुम्हें जिंदगी भर नहीं छूटने दूंगा मैं। अब चल बे इन सालों को उठा के लोकअप में डाल। सर गलती हो गई सर। सर आज के बाद ना होगा, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। सर प्लीज हमें माफ कर दो सर। सर प्लीज अपनी औलाद समझ के माफ कर दो ना सर प्लीज। सर आपको आपकी माँ का वास्ता, आपके छोटे छोटे बच्चों का वास्ता माफ कर दो सबका। ठीक है इस बार तुम पे तरस खा के माफ कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस थाने के आसपास या उस बुड्ढे के परिवार के आसपास कहीं तुम मुझे दिखाई दे गए डायरेक्ट इनकाउंटर करूंगा। और हाँ चुपचाप सीधे यहाँ से घर को चले जाना, अगर जरा सा भी पीछे मुड़ के देखा या गर्दन जरा सी भी तुमने पीछे करी तो डायरेक्ट यहाँ से बैठे बैठे गोली मार। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है सर आज के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे आपको कहीं भी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अबे यार रब्बू टेबल पे चश्मा रह गया, लेकर आऊं क्या? छिनाल के गर्दन घुमाने को मना कर रिया, तुरंत गोली मारेगा। तेरा तो चश्मा ही रहा, मेरे तो 1000 रुपए वहीं रह गए। वो पैर का चप्पल एक ले। अबे चल जो हुआ वो हुआ, चिल कर यार, क्यों टेंशन ले रिया, मुंह लटका के क्यों बैठा? मेरा तो बस मुंह ही लटका हुआ, अगर 1000 रुपए का चुनक तुझे लग जाता ना तेरे मुंह का भोसड़ा बन जाता। बातें मिला रिया, क्यों मुंह लटका के बैठा भाई? ये बातें तो ऐसे करता है ना कि पूछो। आया मैं अभी। यार एक तो वैसे दिमाग खराब है, जब से जॉब गई है पैसे से तो यार बिल्कुल खाली हो गए। पर यार क्या ही करें, हम तीनों के पास पैसे कमाने का कोई सोर्स भी तो नहीं है। ना ना मेरी टेंशन मत ले, मेरे पास तो है सेकंड इनकम का ट्रस्टेड सोर्स। तेरे पास कहाँ से आया सेकंड इनकम का सोर्स? विनोमो। विनोमो है फिर? ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तू अर्न कर सकता है। मैं तो ये दिखाता हूँ इसमें ट्रेड करना कितना आसान है, ये देख। उसके बाद तो फिर कंटिन्यू। अब तू देख सकता है जैसे कि इसमें ग्राफ होता है, हमें प्रिडिक्शन करनी होती है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर हमारी प्रिडिक्शन सही होगी तो हम अन करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ग्राफ अप जाएगा तो मैं अप पर क्लिक कर दूंगा। ये देख अब हमें बस 5 सेकंड का वेट करना है। ये देख मुझे हो गया प्रॉफिट। अब मुझे लग रहा है कि ग्राफ डाउन जाएगा तो मैं डाउन पर क्लिक कर दूंगा। फिर से हमें 5 सेकंड का वेट करना है। ये देख फिर अन कर लिया हमने। और इसमें एक बहुत मस्त चीज है, यहाँ पर जाके तू अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा तो तुझे मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। अबे ये तो पैसा छापने की बहुत तगड़ी मशीन है। हाँ और ये देख यहाँ पर तुझे मिलता है VIP स्टेटस, जहाँ पे तुझे सारे स्टेट्स बताए जाते हैं। और तुझे यहाँ पर मिलता है तेरा पर्सनल मैनेजर जो तुझे ट्रेड्स में हेल्प करेगा। और सुन विनोमो पे चल रहा है अभी 1v1 का टूर्नामेंट जहाँ पर तू दूसरे ट्रेडर से कंपेयर कर सकता है।
अरे तो इसे सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए मिलता है तो ये डेमो अकाउंट जहाँ पर $10,000 भी मिलते हैं। डेमो ट्रेड करके सीख और फिर रियल ट्रेड कर। अरे तो इसे डाउनलोड कहाँ से करूँ? डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, वहाँ से जाके रजिस्टर करो और अभी अनकुल स्टार्ट करो। ये बढ़िया यार, इसे तो मैं अभी रजिस्टर करता हूँ। आप लोगों के सामने में लेके आता हूँ। नासिर, तेरे गांव से किसी का फोन है? गांव से कौन? हेलो राशिद, तेरे पापा नहीं रहे अब। क्या हुआ, चेहरे का रंग बंग क्यों उड़ गया तेरे? पापा इस दुनिया में नहीं रहे यार। मुझे गांव जाना होगा। तो तू अकेला थोड़ी जाएगा, हम भी चल रहे तेरे साथ। चलो ये क्या है तेरी जेब में? कुछ भी तो ना, दवाई है। तो दवाई दिखाइए जरा। ये दवाई है तेरी? क्यों लाया इसे? मैं सोच रहा था यार, गांव जा रहे हैं, कभी वो मेडिकल हो या ना हो पता ना, मौका लग गया काम पेटने का तो दिक्कत ना आती, इसलिए लिया यार। साले मैयत में आया, ऐसे करने आया? चल सोचा था अगले साल प्रधानी लड़ूंगा, सोचते ही एक वोट कम हो गया। ये बड़ा गंदा सिस्टम। चले हमें घर को चोर भी काम है। अपनी प्रधानी की ही बड़ी होती है, किसका बाप गया है, किसका हस्बैंड गया है, इसकी चिंता नहीं है किसी को। बस अपने वोट की चिंता है कि एक वोट। पापा पापा पापा, ये क्या हो गया पापा? पापा पापा, ये क्या हो गया तुम्हें? पापा उठो, पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुम। क्योंकि जहाँ पे बाप का नाम आता है वहाँ पे तो इमोशनल। पापा हमें छोड़ के चले गए। तेरी भी माँ चोद रखी है इन्होंने। भाई तो इमोशनल बने। पापा भी कह रहा, चाचा कह दे, ताऊ कह दे, कुछ भी कह दे, पापा कहना जरूरी है? यार आमिर का कोई जवाब नहीं, कुछ भी कहीं पे भी कैसे भी हालत में यार मस्त। बहुत टाइम हो गया, भूख लग रही है, खाने का क्या इंतजाम है? सोले एक रैप्ट ऐसा मारूंगा कान लाल हो जाएंगे। जाहिल एक नंबर का, मतलब दोस्त के बाप इस दुनिया से चले गए, उनकी मैयत में आया तुझे खाने की पड़ रही है। जानवर कुछ अकल सीख ले। जाहिल जलील सुअर। अरे वो बिरयानी बनाया ना किसी के मरने के बाद, तो मैं सोचा कभी बनी हो तो वहीं बैठ जाएंगे। चल तो रुक जा, मैं पूछ के आता हूँ। अच्छे खासे थे यार, अचानक से ही मौत हो गई है। अभी तो इतनी उम्र भी नहीं थी यार, बच्चे ही तो थे। बहुत बढ़िया आदमी थे यार, है ना भाई साहब? भाई साहब खाने में क्या बन पाया? ऐ साले कीटाणु मुंह में लंडे लगा के बोले नहरिया। लो बे लो, खाने को पूछ रहे, बता दो क्या बना खाने में। ना 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 खाने को ना, भाई साहब सही से बताओ यार, तुमने सुना ना ढंग से क्या कह रही हो। मैं कह रही हूँ बॉडी इतनी देर रोकनी सही नहीं है, लेके चलो इन्हें अब। हाँ भाई हाँ, लेके चलो चलो ही चलो चलो। बात को ऐसे घुमा देता है ना, तुरंत वक्त बदल देता है, हालात बदल देता है, जज्बात बदल देता है, तुरंत के तुरंत। यार राशिद अब छोड़ ना, कब तक अफसोस करेगा?
इस दुनिया में जो आया है एक दिन उसे जाना ही है। ये तो है भाई, सबको जाना है। ऐसे टेंशन लेके क्या फायदा है, रिंकू यार इसे समझा। अरे रब्बू सही कह रही है, अपन शहर चलते हैं, वहाँ काम धंधा करेंगे, ध्यान लग जाएगा, वहाँ पे सब भूल जाएगा, टेंशन मत ले यार इतनी। सही कह रही है, चलते हैं शहर, अब तेरा रहा भी क्या है गांव के अंदर। यार इस गांव में मेरा सिर्फ बाप ही था, अब तो वो भी नहीं रहा, मैं तो अकेला पड़ गया ना। देख रिया यार इसकी बातें, अकेला कहाँ से, हम तो तेरे साथ है ना। तो पागल, हम तेरे भाई तो हैं, कैसी बातें कर रिया। दोस्त मतलब भाई, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, आओ चलो। आजकल तो भाई भाई का नहीं होता है दोस्तों। सुनो रे गांव वालों, सबके सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ फटाफट। पहले तो तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि तुम सब अब हमारे कब्जे में हो। अब क्या होगा हम लोगों का, कौन बचाएगा अब हमको इंद्रविंदु से। यार ये सारे गांव वाले तो बहुत सीधे हैं, ऐसे तो ये लोग इन गांव वालों को दबा लेंगे। तू टेंशन मत ले, ये गांव तेरे साथ साथ हमारा भी है, गांव के एक आदमी का आँच नहीं आने का। अब देख मैं क्या करता हूँ। ओए जहाँ से आए हो वहीं चुपचाप चले जाओ, वरना सालो तुम्हारी लुंगी खोल के चूतड़ों पे इतने चप्पल बजाऊंगा लाल हो जाएगी, पहचान नहीं पाओगे बंदर की है तुम्हारी। चलो यहाँ से, कभी कब जाई कर पाऊ। जरा तमीज से, अभी जानता नहीं है कौन हूँ मैं। हाँ जानता हूँ कौन है तू, तू है लसन की घाट। साला गटुआ, साला डमरू, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू। तू भी बोल ले, ये तेरे मुंह में पलान घुसा। सरदार ये गांव वाले ज्यादा नहीं हंस रहे, इन्हें अपना जलवा दिखा दूँ क्या। क्यों तू क्या छिना ले, जो यह डांस करके अपना जलवा दिखाएगी साली। कल्लो राउंड कल्लो। देखा गांव वालों कितने खतरनाक है मेरे दोस्त। जब तक मैं गांव के अंदर खड़ा हूँ किसी भी आदमी को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। लगता है डरा दिया। जो जहाँ है वही रुक जाए। सब स्टोन ऑफ द स्टैचू बन गए। हटी, जब किसी की फटती है मुझे बड़ा मजा आता है। अब इस पूरे गांव पे डाकू ध्रुवा का कब्जा है, अगर किसी ने चलाकी करने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम यही होगा। मैंने सोचा था मैं इस गांव में आऊंगा, पैसा लूटूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन तुमने जो मेरे लोगों के साथ बदतमीजी की है उससे मेरे अंदर का शैतान जाग उठा है। अब मैं इस गांव में 15 दिन रुकूंगा और अब पैसा ही नहीं तुम्हारा सोना चांदी और अनाज सब लूट लूंगा। सरदार उन तीनों सुअरों को तो बुलाओ जो खूब बोल रहे थे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे। हाँ सरदार बुलाओ तो उन तीनों को, कहाँ बे बाहर निकलो। निकलते हो तीनों बाहर,
जब पूरे गांव को कर दो गोलियों से छलनी। अबे जाता क्यों ना है, तेरे चक्कर में एक तो मर गया, हम सबको भी मरवा गया। हाथी के गद्दू जल्दी निकल। कैसे है सर? और मैं कौन हूँ? लसन की गांठ। गलती से निकल गई मेरे मुंह से। और हमारे मुंह में क्या था भाई? कुछ भी तो ना, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। और हमें क्या कह रहे हैं तुम छिनाल? ना ना भाई साहब, गलती हो गई, आज के बाद ना होगी जिंदगी में, बस एक आखिरी मौका दे दो। अब गलती करने लायक छोड़े तुम्हें तब ना। ज्यादा मत हंसो, दांत दिख रहे हैं सड़े हुए पीले पीले। अब बड़ी जल्दी छिर्रा लग रहा तुझे, जब डाकू की बेइज्जती कर रहा तब कुछ ना। साले तेरी वजह से यहाँ पे हैं, वरना अच्छे यहाँ से निकल जाते। ईमानदारी से कितना सुअर है तू साले, 10,000 गिरगट मरे होंगे तब तू पैदा हुआ होगा। एक मिनट में ही रंग बदल लिया। बोला किसके चक्कर में था मैं? तेरे और तेरे गाँव वालों के, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी? अबे तो तुझसे इतना बोलने किसने कही थी? डाकू को डाकू ही ना समझ रहा तू तो। अब फंस गए ना तेरे चक्कर में। हमारे चक्कर में फंस गए? चलो फिर निकलवाएंगे भी हम ही तुम। बे छोड़ दो यार भाई साहब, यार हमें चुपचाप बैठ रहे चुपचाप, पर ना थप्पड़ थप्पड़ बजाऊंगा कभी छुड़वाऊं। देख लो यार, 100-200 रुपए ले लियो, इधर से भाग जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा किसी को, तुम्हारी जेब में आ जाएंगे पैसे भी। मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है तू? अपने सरदार के साथ गद्दारी करूंगा मैं साले कुत्ते? अबे ओ रब्बू साले, मत क्या कुछ भी, बहुत कुटेंगे और तेरे साथ में कुटेंगे हम भी, अपने सरदार का वफादार लग रहा है। इतिहास उठा के देख ले, अक्सर वफादार लोग ही गद्दार निकलते हैं, ये भी ऐसे ही निकलेगा, खुद देखिए तू अभी दे। 500 का है ले वे, छोड़ दिए बता हमें। देखा सब बिकते। ओए बैठा रहे चुपचाप जैसे बैठा, अगर जरा सा भी रहना तो तुझे ही पता क्या अंजाम होगा। क्या हुआ? 500 रुपए ना लिए अभी? कौन से 500 रुपए? कब दिए? किसके सामने दिए? किसने देखा? बसड़े के दोगले हमसे ही गद्दारी कर दी। अबे अपना दिमाग चलाना बंद कर दे, 500 रुपए की ओर लग गई। वे बोरे वाले इधर आ। क्यों समझ में ना आ रही तेरे? यही बता दो ना क्या बात है। हट चल, ले रहा मेरी बंदूक। आ तो रही हूँ। अंदर को चल। अंदर को क्यों? अंदर ही बताऊंगा, चल तो। चल बैठे अब नीचे बैठ। क्यों खाम को नीचे बैठ, क्या है? बैठता है नीचे, मारो गोली। अरे क्या है ये, पैंट की खोल लो, मत ही करो उल्टे काम। चल शुरू हो जा। यही तो करूंगा, मर जाऊंगा ये ना करूँ कभी भी, ऐसा वैसा मत समझियो। शुरू होता है या नहीं? एक काम करो, गांव जाओ और गांव से राशन लूट के लाओ। सरदार मैं जाऊंगा लेने। ए बिच्छू तू यही रुक, हम जाएंगे लेने। ओए फुल बग्गे तू यही रुक, मैं जाऊंगा। अबे ओ काले लंडे मैं जाऊंगा लेने। अबे तुम्हारी समझ ना आ रही, कह दिया ना मैं जाऊंगा लेने। तो तुझसे भी मैंने कह दिया कि मैं जाऊंगा, तो ये समझ में नहीं आ रही? ओए तेरी समझ में ना आ रही, मैं जाऊंगा लेने। अबे ओ तेरी भी समझ में आ रही, मैं जाऊंगा लेने। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे,
तो तू भी ऐसा ना मानेगा है? ओए, तू भी ऐसा ना मानेगा, आओ सीढ़ी पे से, तो तू भी बिना पीटे ना मानेगा, मैं जाऊंगा लेने। कितने पागल है साले, आपस में ही लड़ रहे हैं। पागल तो है, आपस में लड़ रहा हूँ। अबे इनके साथ साथ तुम भी पागल हो, इस टाइम हमारे पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। हाँ यार, बात तो सही है। बंद कर इस बल्ब को, इस बल्ब के चक्कर में तेरे साथ हम भी फंसते हैं। बहुत अच्छा मौका है, पागलो यहाँ से, सोचो मत ज्यादा। ये मौका भागने का नहीं है, ये मौका है अपनी जिंदगी बनाने का। आपस में लड़ना है ये, कुछ देर बाद इनमें से एक दो आदमी मर जाएंगे लड़ लड़ के। इससे पहले हम तुम गांव चलते हैं, गांव वालों को जाके भड़कांगे, चढ़ांगे, उनके अंदर हिम्मत डालेंगे और यहाँ लेके आएंगे। और जो आदमी इनमें से बचेंगे एक या दो, उन्हें गांव वालों के साथ मिलके हम जान से मार देंगे और इनकी गन लेके फिर गांव वालों पे अपना कब्जा कर लेंगे। जिंदगी भर यही खाएंगे और गांव वालों से अपनी गुलामी करवाएंगे, सालों राजा बन जाएंगे हम राजा। क्या तो सही रिया यार, तू सोचने का टाइम नहीं है, तुरंत आओ गांव की तरफ। टाइम नहीं है, अब राजा बनना है तो बनना है बस। सबको भड़काना चालू हो गया है, अब देखते हैं कौन कौन भड़कता है और क्या आगे क्या होता है। क्यों वे बुड्ढे, तेरे अंदर ज्यादा जोश है क्या? तुझे मौत से डर नहीं लगता? तू क्यों नहीं भागा बे? अरे मौत से डर के करूंगा क्या, मरने की उम्र तो चली रही है, या तो तुम मार दो वरना कुछ दिन बाद खुद ब खुद मर ही जाऊंगा। लेकिन तू किस बात का है, एक मौत तो उस दिन हुई गांव में, एक आज हो गई, सिर्फ उन तीन कुत्तों की वजह से। उन तीनों ने हम सब गांव वालों को चढ़ाया तुम्हारे खिलाफ और यहाँ लेकर आए तुम्हें मारने के लिए। वो हमारे खिलाफ साजिश, कहाँ है वो तीनों, ढूंढो जाओ। अरे ढूंढना क्या है, आएंगे तो दीवार के पीछे, देखो पकड़ के लाओ तीनों को। गलती हो गई।
सब गांव चल रहा है गांव में लूटपाट मचाने के लिए और मेरे नाम का डर और फैलाने के लिए। वे हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो तुम भाग जाओगे क्या? बिल्कुल भी ना यार, कैसी बातें कर रहा हो, देख रही है इनकी, मैं तो भागूंगा ना भैया। मेरी तो टांगों में दर्द हो रही है, भागा ही ना जाएगा। और मैंने तो भागने की सोची भी ना। अगर भागा या भागने की सोची फिर तो तू मुझे जानता ही है। ना ना अब बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ की जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करके आओ। चलो भाई तुम दोनों अंदर जाओ, अब जब तक तुम ना आ रहे ना इन दोनों की जिम्मेदारी भी मेरी है अब। चलो भाई। मेरा भरोसा मत तोड़ना, भरोसा कर रहा हूँ तुझ पर, समझा? भरोसा रखा मेरे फलान पे। बढ़िया मैंने यहाँ बैठे हो आप लोग, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से बच के भागने की, क्या करना बताओ। हाथी के भौसले चलांगी दिखा रिया है, मुझे पहले ही पता था कि तू भागेगा, इसलिए मैं पहले ही घात लगा कर बैठ गया और तेरा इंतजार कर रहा था। वैसे मैं भागता ना, ईमानदारी से तुम्हारी जान कसम भागता नहीं यार, जो बात मारो उस साले को। ज्यादा हंसी आ रही है सालो, मुंह में दे दिया ना दांतों में झंझनाहट आ जाएगी। किसी का भरोसा ना तोड़ा यार, वरना बाद में वो बहुत तोड़ता। आओ आओ अंदर चुपचाप शांति से बैठ जाएगी, जब तक पिटाई नहीं खाया जाता ना इसको चैन नहीं है। सरदार तुम्हारे कोई डाकू रिश्तेदार रहते हैं कि चंबल की घाटी में? हाँ फूफा का छोटा वाला लड़का भी नया नया डाकू बना है, तो उन्होंने ये दो पेटियां भेजी हैं। अरे सरदार बड़े खुश हो गए, ऐसा क्या है इन पेटियों में? बॉम्ब। बॉम्ब? इसका क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकते, जानता है ये क्या है? जब ये कहीं फूटता है ना चीतड़े उड़ जाते हैं। फिर तो ये बहुत खतरनाक चीज है। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, आज ये दिन आ ही गया। ये बॉम्ब मेरे हाथ में है, अब मैं छोटे छोटे गांवों को नहीं बड़े से बड़े शहर पर अपना कब्जा करूंगा और अमीर से अमीर आदमी को लूटूंगा और सारे डाकुओं का बाप बनकर बैठ जाऊंगा। ये पेटी ले और अंदर रख के आ। क्या
साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ छुआ या थपड़ाया साले झींगे? तुझे मारने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। अच्छा दबाऊं बटन? दबाऊं साले, सब उड़ा दूंगा यहीं तान तबीला तेरा दो मिनट में। वे इस चीज से मजाक मत कर, इसे रख चुपचाप। न रखूंगा, क्या कर लेगा तू मेरा? क्या उखाड़ लेगा मेरा तू? देख सुन, ठंडे दिमाग से काम कर, ये मुझे दे दे और तुम तीनों को छोड़ा जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। बस डर गया, निकल गया तेरा धुआं, पड़ गया ना पड़ गया तुम्हारा भाई भारी इस पे। अबे तुम जैसे को नींबू की तरह निचोड़ता है रप्पू, नींबू की तरह जानवर। बेइज्जती मत कर, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है मुझे। तो इन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। अब देख मैं तेरी कितनी बेइज्जती करूंगा। अब सुन, तू है कुतिया को चौदने वाला, तू है बहू का भाड़ू, तू है नजाइज बाप की जाइज औलाद। तुम तीनों बहुत आगे बढ़ रहे हो, हद में रहो। और तू वो भी है जो मासूम सी कुतिया को बेला फुसला कर कोने में ले जाके बिस्किट खिलाता है, फिर उनके साथ सेक्स करता है। और तू सास का गुलाम भी है, और तू अल्लुआ पक रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इतनी बेइज्जती आज तक मेरी किसी ने नहीं की जितनी तुम लोगों ने की है। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी, जो कि अब नहीं रही, तुमने मिट्टी में मिला दी। अब मेरी इज्जत ही नहीं रही तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और मुझे ये भी पता है तुम लोग ये बम नहीं फाड़ोगे क्योंकि तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी जो कि अब नहीं रही। मैं खुद तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें साथ लेकर मरूंगा।